तो हेलो आर्मी, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तेरे आज का वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप लोग पबजी मार्ट में अकाउंट को अनलिंक कैसे कर सकते हो। आप सबको पता है अपने पबजी मार्ट के मतलब तीन तरीके से जो होता है, अपना आईडी जो होता है, अपना लिंक होता है, ठीक है, एक अपना वीके अकाउंट होता है और सेकेंड अपना जीमेल अकाउंट होता है और थर्ड अपना फेसबुक अकाउंट, जो कि आप लोग को पता है। और मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ें मैंने अकाउंट है मैंने उसको लिंक कर रखा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। और आज के वाले वीडियो में आप लोग को बताऊँ कि आप लोग अकाउंट को लिंक कैसे कर सकते हो और साथ में आप लोग को ये भी बताऊँगा कि आप लोग जो भी मैंने आप लोग को तीनों अकाउंट को मैं उसको आप लोग अनलिंक भी कैसे कर सकते हो, सब कुछ आज की वाली वीडियो में आप सबको बताऊंगा। सर वीडियो को पूरा देखना, सर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर सर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसी वीडियो जो आप लोग को रेगुलर देखने को मिलता रहता है, जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज वाली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो अकाउंट था उसको लिंक कैसे करना, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि अकाउंट को लिंक कैसे करना, जो भी आप लोग तीनों चीज़ उससे तीनों चीज़ को मैं आप लोग का लिंक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अकाउंट लिंक करने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल से आप लोग को सेटिंग पर जाना, जैसे आप लोग सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा जिसका कि आप लोग स्क्रीन शॉट अभी देखते हो, ठीक है। उसको आप लोग साइड में आप लोग को प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग को जिस चीज़ से अपना अकाउंट लिंक करना है उसको आप लोग वीके से कर सकते हो या अपना फेसबुक या जीमेल जिससे भी आप लोग को लिंक करना है सिंपल से क्लिक करना। और एक बात का आप लोग ध्यान रखना, जिस अकाउंट से आप लोग मतलब जिस जीमेल अकाउंट से या जिसे आप लोग वीके अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं वो बिल्कुल ही न्यू होना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे कोई सा भी पबजी आईडी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो यार लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो कोई सा भी अपना न्यू अकाउंट बना लें, जीमेल का हो या वीके का फेसबुक का, तीनों चीज़ का किसी का न्यू अकाउंट होगा, फिर जाकर वहाँ पर आप लोग लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छा आप लोग लिंक कर लोगे, बट मैं भी आप लोग को बता दूँ कि आप लोग का अकाउंट कैसे अनलिंक करना, तो मैं भी अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलता हूँ और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि हमारे पबजी मोबाइल के तीन चीज़ों से जो होती है हमारी आईडी लॉगिन होती है, देखिए अपना फर्स्ट अपना वीके अकाउंट होता है, अपना सेकंड प्ले गेम अकाउंट होता है और थर्ड अपना फेसबुक अकाउंट होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो आप लोग मान लो आप लोग को अकाउंट लिंक करना, तो इससे पहले मैंने आप लोग को बता दिया अकाउंट आप लोग को लिंक कैसे करना, बट अभी मैं आप लोग बताता हूँ अनलिंक कैसे करना। तो मान लो अगर आप लोग को जो भी अपना वीके अकाउंट अपने पबजी से अनलिंक करना है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल से आप लोग जो भी वीके का एपी को उसको ओपन कर लेना, ठीक है। और जो भी आप लोग की आईडी है जिससे आप लोग पबजी लाइट में लॉगिन करते हैं उसको सिंपल से यहाँ पर लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा है, उसके बाद साइड में आप लोग को प्रोफाइल लिख जाएगा, इस पर आप लोग को सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद थ्री डॉट पे आना है और यहाँ पे आप लोग को सेटिंग आइकन मिलेगा, सिंपल से आप लोग सेटिंग पे चले आना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ऊपर में देखने को मिल जाएगा मैनेज वीके आईडी, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे लोडिंग लेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे वेट कर लेना, जैसे आप लोग ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा उसको आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मतलब सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इस पर आप लोग सिंपल से क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप लोग नीचे जैसे स्लाइड करो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे अगर डिलीट और यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, जो भी आप लोग का अकाउंट होगा सब तरह से लॉग आउट हो जाएंगे, पबजी से भी लॉग आउट हो गए, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक मत करना है, मतलब नहीं करना है, ठीक है। और सबसे नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा डिलीट वीके आईडी, सिंपल से आप लोग इस पर यार क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये नहीं कि भाई आप लोग का जो अकाउंट है मतलब कुछ ही दिनों में मतलब अनलिंक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, साथ आप लोग का वन मंथ का भी टाइम लग सकता है, तो आप लोगों का वेट करना पड़ेगा तब आप लोग का होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे डिलीट नहीं करना, जब आप यहाँ पे एक अकाउंट डिलीट करो साथ आप लोग का सोचा आप लोग का पासवर्ड का पूछा जाए, ठीक है। तो आप लोग पासवर्ड एंटर कर देना और उसके बाद आप लोग का एक मंथ तक, ठीक है, एक महीने तक आप लोग को इस अकाउंट को लॉग इन नहीं करना, तो आप लोग अकाउंट होगा एक मंथ में ऑटोमेटिक डिलीट होगा, ठीक है। तो आप लोग को डिलीट करना तो यहाँ से आप लोग इजी डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग का जो भी अकाउंट होगा ऑटोमेटिक अनलिंक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को वन मंथ आप लोग को इस अकाउंट को लॉग इन नहीं करना पड़ेगा वीके का, तो जैसे आप लोग नहीं करोगे आप लोग जो भी अकाउंट होगा डिलीट हो जाएगा, वहाँ से अनलिंक भी हो जाएगा, ठीक है। इतना फर्स्ट है वीके से जो कि लॉग इन होता है और सेकंड है तो जो अपना प्ले गेम, तभी मैं अपना जो भी गूगल प्ले है उसको मैं यहाँ पे भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग को उसी जीमेल से आप लोग ओपन करना है जिससे कि आप लोग अपना पबजी लाइट खेलते हुए, ठीक है, उसे अनलिंक करना है, तो उसी अकाउंट को यहाँ पे खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, उसका आप लोग को आना अपने सिंपल सा ऊपर में आप लोग थ्री डॉट देखने को मिलेगा, तो सिंपल से क्लिक करो तो यहाँ पे आप लोग को सेटिंग आइकन दिख जाएगा और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नीचे हो तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिल जाएगा योर डाटा, ठीक है। जैसे इस पर आओगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को बहुत सारे मतलब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन होगा डिलीट प्ले गेम अकाउंट एंड डाटा, ठीक है। इस पर सिंपल आप लोग जैसे ही क्लिक करो तो आप लोग जिस चीज़ में भी अपना अकाउंट लॉग इन किया, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर पबजी लाइट में भी लॉगिन कर रखा और अपने मतलब बैटल ग्राउंड जो मोबाइल इंडिया बीजे में उसे भी मैंने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल था परमानेंटली आप लोग डिलीट पर क्लिक करना और आप लोग का जो भी अकाउंट होगा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आप लोग को टाइम भी नहीं लेगा और यहाँ से डिलीट होगा और जो भी आप लोग का मतलब कि तीन से चार दिन लगते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ से डिलीट करोगे तीन से चार दिन आप लोग को इस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना, उसका आप लोग को जो भी गेम होगा, ठीक है, उससे ऑटोमेटिक अनलिंक हो जाएगा। जैसे सर फर्स्ट में आप लोग को डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना और जो पासवर्ड वगैरह मांगा तो दे देना, नहीं तो आप लोग तीन से चार दिन अकाउंट जो आप लोग का हो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप लोग कर सकते हो। और अगर बात करें आप लोग को अगर फेसबुक अकाउंट का अनलिंक करना है तो उसका भी ईजी ट्रिक है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब मतलब यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि यार अपना फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करें, ठीक है। जैसे इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर जाना, वहाँ पर आप लोग सर्च करना कि फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करें, जैसे आप लोग वहाँ पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा वीडियो फेसबुक अकाउंट डिलीट करें। तो आप अपना जैसे अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करो उसका आप लोग का जो भी फेसबुक अनलिंक हो जाएगा।
तो बस मैंने आप सभी को बता दिया कि आप लोग अकाउंट को लिंक कैसे करना, साथ में आप लोगों को तीनों चीज़ें अनलिंक कैसे करना, सब कुछ मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया। और जैसे मैं आप लोगों को बताया सिंपल से आप लोग वैसे भी कर मतलब वैसे करते हो तो आप लोग अकाउंट जो 100% आप लोग का अनलिंक हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया सब स्टेप का फॉलो करना, आप लोगों का अकाउंट जो होगा लिंक और अनलिंक दोनों हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और बताओ यार बस यही था कुछ आज की वाली वीडियो में, यार वीडियो का जरूर से कमेंट कर बताना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप लोग स्क्रीन से भी देख लो, ठीक है, मेरा वीडियो भी बहुत लोग यार मेरी वीडियो को देख रहे बट यार सब्सक्राइब कोई भी नहीं करा, ठीक है, जो भी 10% बंदे वाले सब्सक्राइब करके देख रहे और जो भी 90% बंदे वाले विदाउट मतलब कि विदाउट सब्सक्राइब कर रहे देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। ऐसी वीडियो आप लोग को रेगुलर देखने को मिलता रहेगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी लोग इंटरेस्टिंग वीडियो, टेक केयर।